इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर हरियाणा से है। हरियाणा में आज विधानसभा सत्र के दौरान अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है। हरियाणा में खट्टर सरकार के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। आपको बता दें, कांग्रेस वहां पर लगातार दबाव बने हुए है कि सरकार के पास अब विधायकों का समर्थन नहीं है, इसलिए सरकार को विश्वास मत लेना चाहिए। अब से कुछ देर पहले सदन की कार्यवाही जब शुरू हुई तो वहां पर किसानों को समझाया नहीं जा सकता, अविश्वास प्रस्ताव पेश जा सकता है। वो मेरे बुजुर्ग थे, बेशक हम राजनीतिक विरोधी रहे, कभी हमने ऐसी बात नहीं कही। क्या आप उन्हीं के उस पर चल रहे हैं? जितना बहकाने का काम किया है जो आपके मैनिफेस्टो में आया है, सब बहकाने उन्हीं के पच्चीनों पर चल रहे हैं क्या? मैं आपके इंसान पूछना चाहता हूं, उन्हीं का पालन कर रहे हैं? ये सरकार लोगों का विश्वास खो चुकी है, पूर्ण रूप से खो चुकी है। जब ये गाँव में हल्कों में नहीं जा सकते और हेलीकॉप्टर लेके कोई कैमरा में जाता है, वहाँ हेलीकॉप्टर लैंड नहीं किया जाता, कोई हेलीकॉप्टर लेके चौटाला में जाता है ना उचाना में जाता है, वहाँ हेलीकॉप्टर नहीं किया जाता, तो आज का हरियाणा की सरकार की क्या स्थिति है? इतिहास आपने पढ़ा होगा अध्यक्ष महोदय, इसकी तुलना मुगल का जो आखिरी शासक था शाह आलम की सरकारों से किया जा रहा है। सल्तनत शाह आलम आज दिल्ली था पालम, मतलब दिल्ली से पालम तक ही जा सकते थे, वो वैसे शाह आलम थे। तो आज सरकार की स्थिति है, सरकार मनोहर का सिलसिला आज चंडीगढ़ तक पंचकूला, मतलब 26 तारीख को झंडा फहराने पानीपत नहीं जा सके, वो पंचकूला जाके फहराया। ये स्थिति आज सरकार की है। अरे रोम जल रहा है और निरुपासी बंसरी बजा रहा है, ये स्थिति आपके सामने है। देखिए प्रजातंत्र में वाद विवाद संवाद समाधान ये तरीके होते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम एक प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए, आपने उसको रिजेक्ट किया, मैं पूरा सम्मान करता हूँ आपका, आपने उसको रिजेक्ट किया किस बात के लिए? कि ये कृषि कानून का जिक्र किया है, ये केंद्र का विषय है और ईदगाह स्टे हुआ है, आपके एम्स ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है, ये लिखा है। लेकिन जो बिल का बॉडी जो है उसमें वो दे वर नॉट पार्ट ऑफ बिल बॉडी। बिल बॉडी में क्या था? बॉडी में एक ही था जो MSP, ये भी कह रहे हैं हम भी कह रहे हैं यही था कि MSP से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे तो या कोई खरीदे, APMC में अमेंडमेंट लाना था, उसको सजा का प्रावधान हो, यही तो थी MSP की। आपके बहुत सारे साथियों ने कल ये कहा, इनके JJP के विधायक ने कहा कि MSP होना चाहिए, प्राइवेट मेंबर हम लेके आए थे आपके सामने। देखिए अध्यक्ष महोदय, मैं जो है आज कृषि कानूनों की बात नहीं करूंगा, क्योंकि उनकी बात करते ही तो ये कहेंगे तो सेंट्रल एक्ट है, ठीक बात है, सेंट्रल एक्ट की मैं बात नहीं करूंगा। हालांकि एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में था, अब बदल गया एग्रीकल्चर की डेफिनेशन, उस बात के चर्चा में मिल जाता है। लेकिन तकलीफ मेरे को किस बात की है? आज हरियाणा का किसान क्यों बैठा है? आज क्यों सबसे ज़्यादा तकलीफ में? क्यों बहन बेटियाँ वहाँ बैठी हैं? ये किसान अकेले हरियाणा से नहीं है, पूरे देश के किसान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब से आके दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं, लेकिन किसी ने रास्ते में रोकने का काम नहीं किया। इस सरकार ने, हरियाणा सरकार ने सर्दियों में वाटर कैनन, पीपली में लाठी चार्ज, आशु गैस तो सड़क बनाने का काम करते हैं, सड़क खोदी गई, ये केवल हरियाणा सरकार के सिवाय किसी ने नहीं किया। इस वास्ते आज इस सरकार जो है बिल्कुल लोगों का विश्वास खो चुकी है। मतलब पुलिस को बांस की लाठियों की जगह लोहे की दी गई। इनको ये समझना चाहिए, किसान का सर फालूद का बना हुआ है, लोहे की लाठियों से नहीं डर सकता है इस किसान का सर। ये मैं आज सवाल ये है, किसान क्यों बैठा है? क्योंकि इन्हीं के वायदे की बात पे, इनके मैनिफेस्टो आप उठा के देखें, MSP का वायदा, JJP के मैनिफेस्टो में यह है न्यूनतम समर्थन
मूल्य की पर फसल खरीदने का मूल्य कानून बनाया जाएगा और फसल की खरीद पर 10% या 100 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ना कानून बना, ना 10% मिला, ना 100 रुपये बोनस मिला। बीजेपी का है, 2014 में कहा किसानों की फसलों का दाम 50% मुनाफे के साथ दिए जाएंगे। फिर कहा 2019 में हर फसल की खरीद न्यूनतम समर्थन पर खरीद सुनिश्चित की जाएगी। अब कह रहे हैं ये करते हैं, और ये कहा दुगनी आमदनी होगी। दुगनी आमदनी कैसे होगी ये मैं समझना चाहता हूँ। बहुत सारे कल हमारे मंत्री जी भी कह रहे थे कि आज ये मेरे पास आपका रिकॉर्ड है, आपका दिया हुआ पैडी की बात 2014-15 की लेता हूँ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी निकाली गई? 1886 रुपये। और आपका स्टेट ने कितना रिकमेंड किया? 2000 रुपये प्रति क्विंटल। और CCPA कितने मिला? उन्होंने कितना रिकमेंड किया? 1360। MSP कितना मिला? 1360। लागत बढ़ रही है। इसी प्रकार से 2015-16 में लागत 1886 से बढ़कर 1994 हो गई और आपने 2193 रिकमेंड किया MSP, लेकिन मिला आपको 1410। मतलब किसान अपनी लागत पूरी नहीं कर पा रहा है। इसी प्रकार से 17-18 में 2657 रुपये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुई और आपने रिकमेंड किया स्टेट ने 2860, और कितना मिला? 1550। इसी प्रकार से 19-20 में 2677 लागत आ गई और आपने रिकमेंड किया 2650 या 2750 के बीच में कीमत दी जाए किसान को, लेकिन मिला कितना? 1815। इसी प्रकार से 2020-21 में लागत आ गई 2482, आपकी निकाली हुई है, हमारी नहीं निकाली हुई है लागत, और आपने रिकमेंड कितना किया? 2730 प्रति क्विंटल, और मिला कितना? 1868। इसी प्रकार से और सभी फसलों का है, लेकिन मैं मुख्य तौर पे दो ही फसलों की बात करता हूँ, गेहूँ की बात लगाएं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस समय खट्टर सरकार की नाकामियों को गिना रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव वो जीत जाएंगे। देखिए, अटकलें ही होती हैं, जो अटकलों के ऊपर पर्दा ये अभी तुरंत हट जाने वाला है। विधानसभा के सत्र में जाते ही आप लोगों को ध्यान में आ जाएगा कि एकदम स्पष्ट है, कोई भी विपक्ष के साथ, मैं तो कहता हूँ कि अगर वो अपने लोगों को भी संभाल के रख लें तो ही बहुत बड़ी बात है। इसलिए किसी प्रकार की कोई समस्या कठिनाई नहीं है, हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं। सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है वो निश्चित गिरेगा, निश्चित गिरेगा। न पाबंदी हो, न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पहनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। ABP न्यूज़।